जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है छिलमिल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हाल ही में ये न्यूज़ में बहुत था और इसके बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अक्टूबर 10, 2018 को दो बड़े संगठन जिनका नाम था नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, उनका मर्जर किया और एक संगठन का निर्माण किया। और जिस संगठन का निर्माण किया उसका नाम था नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इन दोनों को मर्ज करके इसको एस्टैब्लिश किया। तो मूविंग ऑन टू दिस, पहले तो जानना है हम लोगों को कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली जो एलिमेंट्री लेवल पे हो, प्राइमरी लेवल पे हो या सेकेंडरी लेवल पे हो, एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी जो है वोकेशनल एजुकेशन का कोर्स जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया है। लेकिन ये सिस्टम जो है NIOS ने, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उसमें वोकेशनल एजुकेशन का भी कोर्स उन्होंने रखा हुआ है। बट जो नॉर्मल UGC रिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन का कोर्स जो है वो अभी तक जो है एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। सो लेट अस स्टार्ट टू नो व्हाट इज़ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन बेसिकली शॉर्ट टर्म कोर्सेज होती है जो कि जॉब ओरिएंटेड होती है। हम लोग 10+2 किया, हमने ग्रेजुएशन किया, तो जब हमने ग्रेजुएशन किया या 10+2 किया तो उस दौरान हमने कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, उसके बाद सोशियोलॉजी, इंग्लिश, और क्या था, एसमीज, मतलब मेरा रीजनल लैंग्वेज था एसमीज। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हमने एक साल दो साल में पढ़े। तो वोकेशनल एजुकेशन क्या करती है, वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होती है जो कि स्पेसिफिकली जॉब ओरिएंटेड होती है। जिस जॉब के लिए जिस स्किल की ज़रूरत होती है वही स्किल की ट्रेनिंग उनको दी जाती है और वही पढ़ाते हैं बस। तो वोकेशनल एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द एजुकेशन दैट इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड वोकेशनल एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हम लोग एक स्टोरी को देखते हैं पहले। ये जो शख्स है इनका नाम रखते हैं पहले, वट एवर इज नेम इज राम, ठीक है। ये जो हमारे स्टोरी के हीरो हैं इनका नाम है राम। ये 12th ड्रॉप आउट है। फाइनेंशियल जो इनसिक्योरिटीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये 12वीं के बाद जो है आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन इनको जो है अपने घर को चलाना था 12वीं के बाद, तो इसीलिए उन्होंने जो है अपने कंधे पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और ये काम करने लग गए। इनके घर पे इनके जो लैंडलॉर्ड थे उनकी बहुत सारी खेत थी, उन खेतों पे ये तब से मजदूरी करने लग गए थे। दिन रात वो मजदूरी करते थे और उनसे जो पैसे कमाते थे वो अपने घर वालों को देते थे और अपना घर चलाते थे, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत परेशान थे क्योंकि उनके जो स्किल्स थी उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया था, बस मैन पावर को यूज़ किया, मजदूरी में यूज़ किया जा था, और जो जितना वो करते थे उस हिसाब से उनको जो अर्निंग नहीं मिल पा रही थी। पूरे महीने काम करने के बाद उनको सिर्फ 5,000 रुपये मिलता था, जिनसे उनका कुछ नहीं होता था, कोई घर नहीं चलता, अच्छे से नहीं चल पाता था। सेकेंड थिंग, ये एक डिसेंट जॉब जो है प्रोफाइल वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर कोई उनको पूछता था कि क्या करते हो तो क्या कहेंगे, कि मजदूरी करता हूँ, तो दिस वॉज़ नॉट अ डिसेंट आंसर फॉर हिम। और इसके लिए कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा भी थे, अपने आप से नाराज़ भी थे और फ्रस्ट्रेटेड भी थे। तो एक दिन क्या हुआ, इनके जो गाँव में ये शख्स आए, इनका भी नाम रख लेते हैं, इनका नाम हम रख लेते हैं वट एवर XYZ। ये शख्स आए, इन्होंने कहा हम एक्स, इनका नाम हम रख लेते हैं ABC क्योंकि उनकी कंपनी का नाम है XYZ। तो इन्होंने कहा हम XYZ कंपनी से आए हैं और हम वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने सारे गांव वालों को ऐसा कहा। गांव वालों ने पहले तो हेजिटेट किया और बोला कि हमारे पास अगर इतने पैसे होते कि हम किसी हमारे बच्चे को कोर्स में एनरोल करवा सकते तो हम उनको 12th के बाद ही पढ़ा लेते, क्यों ऐसे वोकेशनल कोर्स में डालेंगे, हम 12th के बाद ही उनको अच्छी सी डिग्री पढ़ा देते, डॉक्टर इंजीनियर बनाते, हमारे पास पैसे ही नहीं है किसी कोर्स में डालने के लिए। तब इस शख्स ने कहा कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा कि जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब जो कोर्स उनका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब उनको जॉब मिल जाएगी तब वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में वो लोन जो है वो प्रोवाइड कर सक मतलब रिटर्न कर सकती है EMIs में।
तो ऐसा उन्होंने कहा। तो गांव वालों को ये काफी कन्विंसिंग लगा और गांव वालों ने अपने जो बच्चे हैं उनको इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें एनरोल करा लिया, इंक्लूडिंग आर हीरो राम, उसने भी इसमें जो है अपना एनरोलमेंट करा लिया। तो ये जो कंपनी है ये वोकेशनल एडुकेशन कोर्स पढ़ाती थी, तो मतलब कोर्स प्रोवाइड करती थी, कोर्स देती थी। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए, लाइक किसी ने ब्यूटी एंड हेल्थ एंड फिटनेस में कराया, किसी ने मोबाइल रिपेयरिंग पे कराया, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कराया। देयर आर न्यूमरस कोर्सेज। हमारे जो हीरो है राम, उन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग में अपना जो है एनरोलमेंट कराया क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा था। ये आप देख रहे हो मोबाइल रिपेयरिंग की क्लासेस वो लोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, विद इन वन ईयर उन्होंने इतनी सफिशिएंट सैलरी, इतना अपने पैसे, इतनी फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी जो है वो कायम कर ली थी कि वो एक डिसेंट लाइफ अपने परिवार को दे सके या खुद के लिए एक डिसेंट लाइफ, एक सिविलाइज्ड लाइफ जो है वो अर्न कर सके। और उससे भी बड़ी बात कि उनकी जो सेल्फ एस्टीम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब कोई भी उनसे पूछता था कि तुम क्या करते हो, देन ही वॉज एबल टू से दैट मैं इस कंपनी में ये काम करता हूँ, आई हैव अ डेफिनाइट डेजिग्नेशन। तो ये इम्पैक्ट होता है वोकेशनल कोर्सेज का हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम में, हमारे आज के यूथ्स में। सो वोकेशनल एजुकेशन इज़ काइंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बूस्ट अप द यूथ्स ऑफ टुडेज, क्योंकि जो नॉर्मल कन्वेंशनल एजुकेशन है वो किसी प्रकार से नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये जो है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। नाउ मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक NCVET क्या होगा कि इट विल रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ एंटिटीज एंगेज इन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसे कि हमारी स्टोरी में देखा था, जो कंपनी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन था XYZ, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे ऑपरेट करती है। तो NCVET जो है वो सेंट्रली ऑपरेटेड होगा, जो कि एक अम्ब्रेला की तरह होगा, जो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन इनको छत्रछाया देगा या उनका जो रेगुलेशन है वो मॉनिटर करेगा। अब आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। इसका मेन फंक्शन जो है वो ये है कि रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ अवॉर्डिंग बॉडीज, असेसमेंट बॉडीज एंड स्किल रिलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स। जैसे कि हमारी स्टोरी में था ऑर्गेनाइजेशन XYZ, ओके, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को वो छांट छांट के निकालते हैं कि देश के कौन से कॉर्नर में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस छुपे हुए हैं और कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आके मुँह उठा के बोल दे कि हम वोकेशनल एजुकेशन करना चाहते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, प्रियोर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। तो they'll have to select, they'll have to decide the proper eligibility criteria and it will be vested on this organization, NCVET. Second, approval of qualification developed by awarding bodies and sector skill councils. जो हमारी स्टोरी में थे राम, उन्होंने जो जब कोर्स कर लिया एक साल का, छः महीने का, whatever, तो उन्होंने जब कोर्स कर लिया तब उनको ऑब्वियसली सर्टिफिकेट मिला। तो इन सर्टिफिकेट में ये जो अप्रूवल का मार्क लगेगा ये NCVET का होगा। जैसे हम लोग नेट क्लियर करते हैं, ग्रेड क्लियर करते हैं तो एक अप्रूवल लगता है ना, तो उसके इस केस में NCVET का अप्रूवल लगेगा एवरी स्टूडेंट्स पास्ड आउट, जब ये स्टूडेंट्स जो है ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब ये अप्रूव करेगी, अप्रूव कर सकती है या डिसअप्रूव कर सकती है, इट्स ऑन द अथॉरिटी ओनली। थर्ड इज रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड फोर्थ इज ग्रेवियंस रिड्रेसल। तो ये रिसर्च में भी अपना योगदान देगा कि नई नई रिसर्च करें, नई नई स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो निकाले, नए नए कोर्सेज और निकाले, तो इसमें और रिसर्च करेगा। और ग्रेवियंस रिड्रेसल मतलब किसी को किसी प्रकार की शिकायत हो, कंप्लेंट हो, तो उसको भी रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट इट विल बी एज एन अम्ब्रेला गार्जियन बॉडी जो सारी जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको गार्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड मार्केट रिलेवेंस। ये जो वोकेशनल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा एनरिच कर देगा, स्किल डेवलपमेंट को और ज़्यादा एनरिच कर देगा। इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है लाइक जियो हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, वो लोग इन सारे स्किल्ड मैन पावर्स पे, वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेस लोगों पे, इन पे इन्वेस्ट करेंगी, लाइक ये लोग और ज़्यादा रिक्रूटमेंट करेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए ये सर्टिफाइड होते छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से तो इनका भरोसा जो है वो नहीं हो पाता, मतलब नहीं जीत पाते जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। अब जब ये डायरेक्टली NCVET सर्टिफाइड होगी तब ये आसानी से रिक्रूटेड हो जाएंगी बड़े बड़े प्लेयर्स द्वारा।
अब इसको मैं एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल में समझाती हूँ। अगर आपने मान लीजिए एक डिस्टेंस एजुकेशन कहीं से भी जो यूसीजी रिकॉग्नाइज नहीं है कहीं से भी डिग्री पास कर लिया और आप चले गए एक एमएनसी में इंटरव्यू देने के लिए, तो आपके तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेट्स देखेंगे ही देखेंगे। तो कंपेयर्ड टू आपके सर्टिफिकेट्स वो अप्रूव करे एक दूसरे बंदे हैं जिन्होंने जो है एक टॉप मोस्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना जो है डिग्री हासिल किया, सेम डिग्री दोनों ने, तो किसको प्रेफर करेंगे, उसको जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनिवर्सिटी या फिर उसको जिसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है, जिसका यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज ही नहीं है। ऑब्वियसली उसको जिसका यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है नोन है उस पर भरोसा होता है। तो सेम केस कि एक बड़े जो मोहर लग जाएगी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, तब क्या है जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको रिक्रूट करेगी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। ये क्या करेगा, विल अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहेंसिंग एस्पिरेशनल वैल्यू ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ऑफ इंक्रीजिंग सेल्फ स्किल्ड मैन पावर। ये क्या करेगा, लोगों का जो विश्वास है वोकेशनल एजुकेशन पे, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें लोग मतलब मेंटालिटी ऐसी है कि डॉक्टर इंजीनियर है या फिर कोई ऐसा है, मतलब हमारे देश में अभी तो मेंटालिटी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। पहले की बात कर रही है, पहले ये था कि डॉक्टर इंजीनियर ही सब कुछ है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ये जो नए नए कोर्सेज उभर के आ रहे हैं उसकी तरफ लोगों का जो है अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा, लोग इंस्पायर्ड होंगे इन सबको ज्वाइन करने के लिए। सेकेंड ये है कि ये जो हमारे देश को स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमारे देश जो है मैन पावर के क्षेत्र में, स्किल्ड मैन पावर के क्षेत्र में अभी भी बहुत पीछे चल रहा है। तो इन सारे जो प्रोग्राम्स, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की वजह से ये जो शॉर्टफॉल है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो स्किल डेवलपमेंट के जो क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये एक बहुत बड़ा योगदान है, इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं स्कीम पढ़ाऊंगी तब मैं ये सारे डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, अभी बस ब्रीफ में देखते हैं कि इसका एम है टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग फॉर द यूथ। जो यूथ हैं, जो 12वीं 10वीं ड्रॉप आउट है, उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ताकि वो एक सफल जीवन जो है वो बिता सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, ये बनाया गया हुआ है या निर्धारित किया गया हुआ है, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो मैकेनिज्म है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये निर्धारित करती है, ठीक है। इसकी कवरेज है 24 लाख पर्सन एंड इसका प्राइमरी फोकस है 10वीं और 12वीं के ड्रॉपआउट्स। तो ये तो बस एक ब्रीफ नटशेल है, इसका डिटेल में हम लोग जब स्कीम की वीडियोस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।